हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकार और थ्योरी टू प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। चलो आइए आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट, जो कि एक मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एसएससी में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और यह मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी ईजी मेथड मैं आपको बताऊँगा, और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से हमारी क्या यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं आपसे इस चीज़ को लेकर डिस्कस करना शुरू करूँगा, और इसके बाद मान लीजिए हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिया गया है या काफ़ी सारे नंबर्स मान लीजिए हमें मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में या एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, व्हाटएवर में भी द कॉम्बिनेशन, किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर हमें दिए गए हैं तो हम किस तरह से उन नंबर्स का यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। चलो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लिए हमारे पास कोई एक 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए हमारा कोई नंबर है। तो अगर हमें यहाँ पर पता करना है कि इसकी यूनिट डिजिट कौन सी है, तो राइट हैंड साइड से देखिए, ये मेरा राइट हैंड है और इस राइट हैंड साइड से जो पहली डिजिट आएगी, जो फर्स्ट डिजिट यहाँ मुझे मिलेगी, वो क्या कहलाएगी, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट। हिंदी में अगर हम इसको बोले तो हम इसे बोलेंगे इकाई का अंक। यानी अगर मुझे किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पता करनी है तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड से मेरे सीधे हाथ की तरफ से जो पहला नंबर मुझे मिलेगा वो क्या होगा, किसी नंबर की यूनिट डिजिट होगा। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा कि हमें कई सारे नंबर्स एज अ कॉम्बिनेशन यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों, या आप मान लीजिए सब्ट्रैक्शन, इस तरह से अगर हमें काफ़ी सारे नंबर्स दिए गए हैं तो किस तरह से हम जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसका यहाँ पर यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। तो पहली बात यहाँ पर जो समझने वाली है, मान लीजिए आपको कोई इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, 13^79 × 15^95 − 28^117 + 79^81। तो मान लीजिए इस तरह से हमें कोई बड़ा सारा एक क्वेश्चन दिया गया है और अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, कि फाइंड यूनिट डिजिट। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो 13^79 और जो बाकी सारी टर्म्स यहाँ पर दी गई है, इनको मल्टीप्लिकेशन करके, इनको सब्ट्रैक्शन एडिशन, जो भी यहाँ पर ऑपरेटर लगे हुए होकर उनको हम सॉल्व करके यहाँ पर यूनिट डिजिट फाइंड करने का ट्राई करेंगे तो हमारे काफ़ी टाइम लग जाएगा, और देखिए आपको पूरे पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ ट्रिक सीखते हैं, कुछ तरीके सीखते हैं जिनकी मदद से हम यहाँ पर इस तरह के नंबर्स की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया और कहा गया हमसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट कीजिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जितने भी हमें नंबर दिए गए हैं इस क्वेश्चन में उनके यूनिट डिजिट को टारगेट करेंगे। क्या करेंगे, अगर हमें ऑल ओवर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं उन सबकी यूनिट डिजिट को हम टारगेट करेंगे। तो ये देखते हैं, 13 की यूनिट डिजिट है 3, 15 की यूनिट डिजिट है 5, 28 की यूनिट डिजिट है 8 एंड 79 की यूनिट डिजिट है 9। तो हमें बाकी और नंबर से मतलब नहीं है, ये 28 है, होगा ये 28, अगर ये 128 भी होता या 10957628 भी होता तो हम क्या करते, केवल और केवल इसकी यूनिट डिजिट पे हमें फोकस करना है। कितना ही बड़ा नंबर हो और कितना ही छोटा नंबर हो, हमें उस नंबर से मतलब नहीं है। हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें अगर मतलब है तो केवल उसकी यूनिट डिजिट से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनकी यूनिट डिजिट को टारगेट करेंगे। ठीक है, हमने इनकी यूनिट डिजिट को टारगेट कर लिया। अब इसकी यूनिट डिजिट को टारगेट करने के बाद हम कुछ यहाँ पर ट्रिक्स देखेंगे या कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे, उनकी मदद से हम क्या करेंगे, इस 13^79 की यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद 15^95 की यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि
एट लास्ट हमें क्या करना है, इस ऑल ओवर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो अलग अलग नंबर हमें दिए गए हैं इन सब की यहाँ पर हम यूनिट डिजिट फाइंड कर लेंगे। जब हमने इनकी यूनिट डिजिट फाइंड कर ली तो उसके बाद ये जो भी ऑपरेटर दिए गए हैं हम उन ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, और उन ऑपरेटर को यूज करने के बाद जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा वो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए, ये तो मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल बताया था आपको ये समझाने के लिए कि यूनिट डिजिट के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें किस तरह से टारगेट करना होता है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होती है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए आइए अब देखते हैं हम यहाँ पर कुछ शॉर्टकट, और उन शॉर्टकट की मदद से हम कैसे यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए एक टेबल बना देता हूँ। इस टेबल में 0 से 9 तक के जो नंबर होते हैं, 0 से 9 में कितने नंबर है, टोटल 10 नंबर्स, ठीक है। इन 10 नंबर्स को मैंने 3 ग्रुप में बांटा है, इन 10 नंबर्स को मैंने 3 ग्रुप में बांटा है। तब उन तीन ग्रुप में क्या किया है, मैंने 10 नंबर्स को बांटा है। तो जो एक ग्रुप होगा उसमें जितने भी नंबर आएंगे उनके लिए लगने वाला रूल सेम होगा, जो सेकंड ग्रुप के जो नंबर है उनके लिए जो हम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे उनका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए वो रूल्स सेकंड ग्रुप के लिए सेम होगा, और जो थर्ड ग्रुप होगा हमारा उसमें जो हम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे वो थर्ड ग्रुप के सारे नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा हम यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे वो पहला ग्रुप है हमारा, ये नंबर है 0, 1, 5, 6। अगर आपको किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 1, 5 या 6 दिख जाए और उसके ऊपर चाहे कितनी भी पावर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 195 की पावर 25 दिख जाए या आपको 108576 की पावर 2, 3, 4, 5, 9 दिख जाए, या एज एन एग्जाम्पल आप ले लीजिए आप 119121 की पावर आपको, अगर कितना ही बड़ा नंबर हो लेकिन अगर हमने देख लिया कि उसकी यूनिट डिजिट या तो 1 है या 6 है या 5 है या 0 है, और उस नंबर के ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, इन नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, सेम, ठीक है। यानी अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है और चाहे उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, अगर हमसे कोई पूछेगा कि इस नंबर की यूनिट डिजिट बताइए तो इस नंबर की यूनिट डिजिट होगी 1। आई बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मान लीजिए ये नंबर है 119121, इसकी पावर दी गई है हमें 12598। अब इतनी बड़ी पावर को पेन और पेपर की मदद से सॉल्व करना तो काफ़ी मुश्किल है, तो इस रूल के हिसाब से या इस ट्रिक के हिसाब से हमारे लिए क्या आंसर होगा कि अगर इतना बड़ा हमें नंबर दिया गया है तो हमें बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, ये नंबर हमारे किसी काम का नहीं है, हमको केवल टारगेट करना है कि इस चीज़ पर टारगेट करना है, इस 1 पर। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 दिया गया हो, अब चाहे उसकी पावर कितनी भी हो, वॉट एवर मे बी द पावर, अगर हमसे कोई पूछेगा कि इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी तो हमारा आंसर होगा 1। इसी तरह अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 हो और चाहे उस पर उसके ऊपर कुछ भी पावर हो, अगर कोई हमसे पूछेगा कि इस नंबर की यूनिट डिजिट बताइए तो आपका क्या आंसर होगा, 6, ठीक है, सेम एज द नंबर। चलो यहाँ से आपको थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाएगी, सेम एज द नंबर, ठीक है। अगर इसी तरह हमें दिया गया है 195 या ऐसा कोई भी नंबर दिया गया है जिसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 5, यानी जो नंबर 5 पे खत्म होता है, अब चाहे उसकी कितनी भी पावर हो, चाहे इतनी बड़ी पावर हो या 25 पावर हो या इसके आगे आप कितने भी डिजिट लगा दीजिए, वॉट एवर मे बी द पावर, चाहे कितनी भी पावर हो, अगर कोई हमसे पूछेगा कि आप इस नंबर का यूनिट डिजिट बताइए तो सीधा सीधा आंसर होगा हमारा 5। इसी तरह एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर हमें कोई नंबर दिया गया है, अगर आपसे कोई पूछे कि इस नंबर की यूनिट डिजिट बताइए तो क्या आंसर होगा आपका, जल्दी, पहले ग्रुप में ये 4 नंबर लिए हमने, और पहले ग्रुप का हमारा क्या कहता है रूल कि अगर किसी भी नंबर की एंडिंग 0, 1, 5 या 6 से हो रही हो, किसी भी नंबर की एंडिंग 0, 1, 5 या 6 से हो रही हो तो चाहे उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, वॉट एवर मे बी द पावर, पावर के बारे में हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर कोई नंबर 0, 1, 5 या 6 से
एंड हो रहा है तो उसके ऊपर चाहे कितनी भी पावर हो उस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, सेम एज द नंबर, यानी जो नंबर की लास्ट डिजिट है वही हमारे जो सॉल्व करने पे आएगा उसकी यूनिट डिजिट होगी। तो अगर आपसे कोई इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट पूछेगा तो आपको क्या आंसर होगा, 5। इसकी पूछी तो क्योंकि इस नंबर की यूनिट डिजिट है 6, इसके ऊपर कितनी भी पावर है हम उस पावर से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारी इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6। इसी तरह अगर हम बात करें 119121 की, तो इस हमने देख लिया कि ये पहले ग्रुप में है, पहले ग्रुप में है तो यानी इसकी यूनिट डिजिट है 1। अब इसके ऊपर पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है तो इसकी यूनिट डिजिट हम क्या लिख देंगे, 1। इसी तरह हमारा ये है, इसके अंदर लास्ट डिजिट क्या है, 0। अब इसकी पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसकी पावर के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। जब हमें इसकी पावर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसकी यूनिट डिजिट बताइए तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0। तो ये था हमारा पहला ग्रुप जिसमें हमने चार नंबर्स को लिया, और वो चार नंबर्स कौन कौन से थे, 0, 1, 5 एंड 6। चलिए भाई ये बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। दूसरे ग्रुप में हमारे पास दो नंबर है और वो नंबर है 4 एंड 9, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से हम इसका ब्रेकअप करेंगे, अगर 4 की पावर इवन हो या 4 की पावर ओड हो, ठीक है, 9 की पावर इवन हो या 9 की पावर ओड हो। ओड नंबर आप समझते हैं 1, 3, 5, 7, यानी जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, ओड नंबर। इवन नंबर के होते हैं 2, 4, 6, 8, यानी जिन नंबर्स में हमारे 2 का भाग चला जाता है वो नंबर हमारे किसी कैटेगरी में आते हैं, इवन नंबर की कैटेगरी में। तो चलिए ये बात करते हैं, जब 4 की पावर इवन हो या ओड हो और 9 की पावर इवन हो और ओड हो तो यूनिट डिजिट क्या होगी। पहले आइए देखते हैं, मान लीजिए हमारा पहला एज एन एग्जांपल अब मैं आपको समझाता हूँ, 4 की पावर 1 है तो 4 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 4। 4 की पावर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 का स्क्वायर यानी 16। 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 यानी 4 × 4 × 4, उसकी वैल्यू क्या होगी, 64। 4 की पावर 4 है यानी 4 × 4 × 4 × 4, 4 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स, तो इसका क्या है आंसर, 256। अब देखिए आपको यहाँ से एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा, वो पैटर्न क्या है कि जब 4 की पावर 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट है 4, और जब 4 की पावर 3 है तो इसकी यूनिट डिजिट है 4। यानी जब 4 की पावर इवन है, सॉरी 4 की पावर ओड है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 4। देखिए यहाँ से 4 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट है 4, 4 की पावर 3 पे भी यूनिट डिजिट है 4, तो यानी जब 4 की पावर ओड होगी तो हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी, 4। आई बात समझ में। इसी तरह देखिए 4 की पावर 2 और यहाँ पे है 4 की पावर 4, 2 और 4 क्या है, इवन नंबर, तो जब 4 की पावर 2 है यानी 4 की पावर इवन है तो हमारी यूनिट डिजिट क्या है, 6, ठीक है। इसी तरह जब 4 की पावर 4 है यानी फिर से इवन है तब भी हमारी यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर 4 की पावर ओड होगी तो हमारी यूनिट डिजिट होगी 4, और 4 की पावर इवन होगी तो हमारी यूनिट डिजिट होगी 6। चलिए आइए बात करते हैं 9 की। 9 की पावर 1 यानी 9, 9 की पावर 2 यानी 81, 9 की पावर 3 यानी 729, 9 की पावर 4, अब 9 की पावर 4 तो मुझे भी याद नहीं है तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 5841, ठीक है। 9 की पावर 4 आ गई हमारी 5841। अब देखिए सेम चीज वही है, मैंने आपको बताया था हम तीन ग्रुप बनाएंगे, ये हो चुका है हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये है हमारा सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में जो रूल होगा वो सबके लिए सेम होगा, इसी तरह सेकंड ग्रुप में जो रूल होगा वो इन दोनों नंबर्स के लिए सेम होगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे 9 की पावर 1 और 9 की पावर 3 की, यानी जब 9 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 9। यहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो जब 9 की पावर ओड होगी तो हम यूनिट डिजिट क्या लिख देंगे, 9, ठीक है। इसी तरह 9 की पावर 2 और 9 की पावर 4 में जब 9 की पावर क्या होगी, इवन, जब 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी, 1। आई बात समझ में। तो जब 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट हो जाएगी हमारी 1। तो ये हुआ हमारा सेकंड ग्रुप, ठीक है। चलो आइए इसके रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं।
मान लीजिए आपको दिया गया है 4 की पावर 102, और आपको एक दिया गया है 4 की पावर 195, एक आपके ऊपर क्वेश्चन है 9 की पावर 105, और एक और क्वेश्चन है 9 की पावर 210। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया है 4 की पावर 178 × 9 की पावर 315। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमको क्या दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन। अब देखिए, पहली बात बात करेंगे हम 4 की 4, हमने देख लिया सेकंड ग्रुप में, तो 4 की पावर क्या है यहाँ पर 102। व्हाट इज द पावर ऑफ 4 102। अब देख के बताइए, 102 ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अब 102 टू से डिवाइडेबल है, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 51 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 4 की जो पावर 102 है वो क्या पावर है, इवन पावर, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। आ रहा समझ में, सिंपल सी चीज है, हमको क्या देखना है, पावर। पावर अगर हमारी इवन है तो 4 के केस में उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6, अगर पावर हमारी ऑड है और हमारा यूनिट डिजिट है 4 तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी हमारी, 4। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, 4 की पावर क्या है 195। अब देखिए 195 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर, क्या है 195 एक ऑड नंबर, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब जब हमारा 195 एक ऑड नंबर है तो देखिए, अगर 4 की पावर ऑड होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। तो यहाँ पर मैं यूनिट डिजिट का कॉलम बना देता हूँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4। इसी तरह 9 की पावर 105 क्या है, एक ऑड नंबर, तो जब 9 की पावर 105 में यूनिट डिजिट हो जाएगी 9। 9 की पावर 210 क्या है, एक इवन नंबर, तो इस केस में इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, यहाँ पर क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अभी हम केवल बेसिक लेवल पर चल रहे थे, लेकिन अब मैंने आपको एक सफिशियंट प्रैक्टिस करा दी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर बढ़ा दिया जाए। अब देखिए ये क्या है, 4 की पावर 178 क्या है, एक इवन नंबर, तो देखिए यहाँ से जब 4 की पावर इवन होती है तो हमारी यूनिट डिजिट क्या होती है, 6, तो इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई विद 9। 9 की पावर क्या है यहाँ पर, इवन सॉरी ऑड, 9 की पावर क्या है, 315 यहाँ पर ऑड, और जब 9 की पावर ऑड होगी तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, 9, यानी 6 × 9। जब हम 6 × 9 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54, और जब हमसे इस आंसर की यूनिट डिजिट पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से जो पहला नंबर आएगा वही हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट बताइए तो आपका आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, चलो अब आइए चलते हैं थर्ड ग्रुप की ओर। मैंने आपको यहाँ पर 2 ग्रुप डिस्कस कर दिए, अब थर्ड ग्रुप की ओर चलते हैं। देखिए 0 से 9 के बीच में टोटल होते हैं 10 नंबर्स। 10 नंबर्स में 0, 1, 5, 6 और 4, 9, यानी हमने 6 नंबर कवर कर लिए। तो अब हमारे कितने नंबर बचे, 4 नंबर, वो कौन कौन से बचे, 2, 3, 7, 8। तो चलिए भाई, हमारे पास बचे 4 नंबर, 2, 3, 7 और 8। अब आप देख रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की टेबल है, तो ये टेबल मैं आपको अब समझा देता हूँ। इस टेबल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया, ठीक है, उस नंबर में आपने देख लिया कि उसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2। जैसे मैं बात करूंगा, आपको एक नंबर दिया 102, ठीक है, आपने क्या देख लिया, उसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2। ठीक है, इसके बाद आपको उसके ऊपर कोई पावर दिखी, जब आपको उसके ऊपर पावर दिखी तो आपने उस पावर को नोटिस कर लिया। जब आपने उस पावर को देखा, मान लीजिए इसके ऊपर पावर है 95, ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, हम क्या करेंगे कि हमने देख लिया कि हमारा जो नंबर है वो इस वाले ग्रुप का है, 2, 3, 7, 8 वाले ग्रुप का, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पावर पे ध्यान देंगे, पावर पे हमने ध्यान दिले कि पावर है हमारी 95, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या कर दिया हमने, इस पावर को 4 से डिवाइड कर दिया। जब इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 23 टाइम्स जाएगा, और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 3। ठीक है, आप करके देखना,
कि जब 95 में हम 4 से डिवाइड करेंगे 95 को, तो ये 23 टाइम्स यहाँ पर इसमें भाग जाएगा और 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो अब खेल शुरू होगा। यहाँ पर हमारी यूनिट डिजिट क्या है 2 और हमारा रिमाइंडर क्या है 3। ठीक है, तो जो आपको रिमाइंडर, ये जो आपको ये वाला कॉलम है 0 1 2 3, ये किसका कॉलम है? रिमाइंडर का कॉलम है। ठीक है, रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि हमारा जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट है 2, 3, 7 या 8। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के नंबर्स की जो पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर उस पावर में 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, यानी उसका रिमाइंडर जो शेषफल बचा वो क्या है 0। यानी मान लीजिए अगर पावर 88 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 22 बार इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा और कोई शेषफल नहीं बचेगा, यानी इसका रिमाइंडर क्या है 0। तो 2 हो हमारी यूनिट डिजिट और उसका रिमाइंडर 0 हो, तो उसका जो हमारा आंसर होगा यूनिट डिजिट का वो क्या होगा 6। अगर हमारे नंबर की लास्ट डिजिट 2 हो और हमारी पावर का रिमाइंडर 1 हो 4 से डिवाइड करने के बाद, तो क्या होगा आंसर हमारा 2 यूनिट डिजिट का। इसी तरह हम बाकी नंबर्स के लिए भी देख सकते हैं। अब आइए मैं आपको इन सारे नंबर्स के एक एक दो दो एग्जांपल करके बता दूं ताकि आपका यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 192 की पावर, मान लीजिए मैंने ले ली पहले 104, 192 की पावर 105, 192 की पावर 106 और 192 की पावर 107। ठीक है, अब देखिए 192 लास्ट नंबर क्या है इसका 2। ठीक है, अब बात करिए हमने पावर की, सबसे पहले देखेंगे लास्ट नंबर क्या आया 2, इसके बाद बात करेंगे पावर की। तो इस 104 में हम 4 से भाग देंगे, जब हमने 4 से इस 104 को डिवाइड किया तो ये आया 26 टाइम, ये पूरा पूरा भाग चला गया और यहां पर क्या रिमाइंडर बचा 0। तो रिमाइंडर के बचा यहां पर 0। तो देखिए जब लास्ट नंबर 2 हो रिमाइंडर 0 हो तो हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6। तो यहां पे हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। ठीक है, इसी तरह 192 की पावर 105 में करेंगे। अब देखिए 104 में हमारा रिमाइंडर बचा 0, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, कोई शेषफल नहीं बचा। तो 105 के केस में कितना रिमाइंडर आएगा हमारा 1। तो जब 2 हो और रिमाइंडर 1 हो तो क्या आएगा हमारा यूनिट डिजिट 2। इसी तरह जब 2 हो लास्ट डिजिट और रिमाइंडर, देखिए 106 के केस में कितना बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा। तो जब 2 हो लास्ट डिजिट और रिमाइंडर कितना हुआ हमारा 2, तो यूनिट डिजिट हो जाएगी हमारी 4। इसी तरह बात करेंगे 192 की पावर 107 की। तो देखिए 107 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 26 टाइम तो पूरा पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो जब हमारी लास्ट डिजिट 2 हो और रिमाइंडर 3 हो तो यूनिट डिजिट इस तरह के नंबरों में कितनी हो जाएगी 8। तो ये तो था, मैंने आपको लास्ट नंबर 2 लेके मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया कि 192 की पावर 104 में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया 192 का लास्ट नंबर क्या है 2, उसके बाद हम क्या देखेंगे पावर, पावर में देख के हमने क्या किया पावर को 4 से डिवाइड किया। अगर पावर 4 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो गई तो यानी हमारा रिमाइंडर बचा 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 बचा तो देखिए 2 हो जब लास्ट नंबर और रिमाइंडर क्या हो 0, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। इसी तरह जब लास्ट नंबर 2 हो रिमाइंडर 1 हो, जो कि 105 की पावर के केस में हुआ था, तो हमारी यूनिट डिजिट होगी 2। इसी तरह रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 3 के लिए हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, 213 की पावर 208, 213 की पावर 209, 213 की पावर 210 और 213 की पावर 211। ठीक है, अब देखिए 213 यानी लास्ट नंबर देख लिया थर्ड ग्रुप का है, यानी 3 है। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया नंबर क्या है 3। 208 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 52 टाइम्स पूरा पूरा इसके अंदर भाग चला जाएगा, यानी हमारे रिमाइंडर क्या है 0। तो जब लास्ट नंबर क्या हो 3 और रिमाइंडर क्या हो 0, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी यूनिट डिजिट 1।
ठीक है। इसी तरह जब लास्ट नंबर थ्री हो और हमारा रिमाइंडर क्या हो वन, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी थ्री। यूनिट डिजिट अब नेक्स्ट वाले केस में फाइंड आउट करेंगे। लास्ट नंबर क्या है थ्री, 210 को मैं अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 52 टाइम्स, तो पूरा पूरा चला जाएगा और दो हमारा क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा। तो जब 3 और 2 का हमारा कॉम्बिनेशन हो तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 9। अब इसमें देखेंगे 211 को जब डिवाइड करेंगे तो लास्ट नंबर है 3 रिमाइंडर है 3, तो लास्ट नंबर 3 हो रिमाइंडर 3 हो तो कितना आंसर आ जाएगा 7। इसी तरह 7 और 8 के केस में भी हम देख लेंगे। बस हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे फोकस करना है। नंबर को फोकस करके हम देखेंगे कि वो किस ग्रुप का है, पहले ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है या थर्ड ग्रुप का है। पहले ग्रुप में हमारे कौन कौन से नंबर थे, 0, 1, 5 और 6। तो जब 0, 1, 5, 6 हमारे पहले ग्रुप के नंबर है तो उनमें चाहे पावर कुछ भी हो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा सेम नंबर, ठीक है। अगर 0 है हमारा तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड ग्रुप की जिसमें हमने लिया था 4 और 9 को। तो देखिए अगर हमारा 4 है उसकी पावर इवन है, तो जब 4 की पावर इवन होती है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आता है 6, और जब 4 की पावर ओड होती है तो यूनिट डिजिट कितना आता है 4, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 9 की। 9 में जब अगर 9 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट आएगा उसका 1, और 9 की पावर ओड हो तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 9, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थर्ड ग्रुप की, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हमको क्वेश्चन करने में आती है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो पहली स्टेप क्या करनी है, हमें सबसे पहले जो भी हमारा गिवन नंबर है उसकी हमें क्या देखनी है लास्ट डिजिट। हमने भाई देख ली उसकी लास्ट डिजिट है 2, 3, 7 या 8 में से कुछ भी है, तो हम समझ गए कि वो हमारा थर्ड ग्रुप का नंबर है। इसके बाद हम ध्यान देंगे पावर पे। पावर पे हमने ध्यान दे लिया, पावर पे ध्यान देने के बाद हम क्या करेंगे उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो पावर 4 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो गई तो मान लिया हमने कि क्या है उसका रिमाइंडर 0। अगर वो 4 से डिवाइड पूरी पूरी बार नहीं हुई और एक उसका रिमाइंडर बच गया तो ये वाला कॉलम हो जाएगा। दो रिमाइंडर केस में ये वाला कॉलम, और जब रिमाइंडर 3 होगा तो ये वाला कॉलम। तो इस तरह हम यहाँ पर इन कॉलम्स की मदद से जब हमारी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 हो तो उनको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो बस इसमें जो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है वो ये टेबल याद करने में आती है। बाकी जो सेकंड ग्रुप है वो तो इजी है, ऑड इवन का मैंने आपको समझाई दिया। फर्स्ट ग्रुप में कुछ है ही नहीं, उसमें सेम नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी टेबल को ईजी बना देते हैं, हम शुरू करेंगे। मान लीजिए 2 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो आपको मान अगर इस टेबल को याद करने में ज़रूरत आपको इस टेबल को याद करने में अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप क्या करना, अपने मन ही मन में इन नंबरों की पावर 1, 2, 3 और 4 क्या करेंगे 1, 2, 3 और 4 को एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए 2 की पावर 1 है सर, चलिए सबसे पहले 2 की पावर 4 से शुरू करते हैं। 4 का 4 में पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा तो 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 16। तो 4 का 4 में पूरी पूरी बार भाग चला गया यानी रिमाइंडर 0 बचा, तो हमारी यूनिट डिजिट कितनी होगी 6, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 3, तो 2 की पावर 3 क्या होती है 8, तो यूनिट डिजिट होगी हमारी 8। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 2, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, तो हमारी यूनिट डिजिट होगी 4, और 2 की पावर 1 तो 2 ही होती है। तो जब हमारा रिमाइंडर 1 है और 2 हमारा लास्ट नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 2। तो इस तरह आप 1, 2, 3 और 4 पावर को एज्यूम करके इस टेबल को ईजिली याद कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, तो ये हो गया 3, 9, 27 और 81। तो देखिए जब रिमाइंडर 0 है 3 के केस में तो ये डिजिट है 1, जब रिमाइंडर 3 है लास्ट वाला, जब रिमाइंडर 3 है क्योंकि ये क्या है पावर 3 है ना, ठीक है। जब पावर 3 है तो 4 का अगर हम 3 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो ये 0 टाइम जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, हमारे रिमाइंडर 3 का 3 ही बच जाएगा। तो जब रिमाइंडर 3 हो 3 की पावर के केस में तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी आएगी 7, जब रिमाइंडर 2 हो तो देखिए 9 आ गई, और जब रिमाइंडर 1 हो तो 3 आ गई। इसी तरह हम बात करेंगे 7 की,
तो देखिए 749, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 49 इंटू 7 करेंगे, 7 की पावर 3 निकालने के लिए। तो 49 इंटू 7 करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम क्या करेंगे, केवल 9 इंटू 7 करेंगे। तो जब 9 इंटू 7 करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, लेकिन 97 जो होता है 63, तो इसकी यूनिट डिजिट यहाँ पर आ जाएगी 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समथिंग नंबर और लास्ट में उसके क्या है 3, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से। तो 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर आएगा, लेकिन उसके लास्ट में श्योरली क्या आएगा, 1। तो इस टेबल से भी आप उस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 8 की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब 8 का स्क्वायर 64 आपको पता है। अब जब देखिए 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता करना है, केवल यूनिट डिजिट। तो 8 इंटू 4 करेंगे तो आएगा हमारा 32, यानी कुछ नंबर आएगा और उसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी, 2, ठीक है। इसी तरह जब हम 32 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा, लेकिन 8 इंटू 2 क्या होगा, 16, तो यूनिट डिजिट उसकी क्या आ जाएगी, 6। तो इस तरह अगर आपको ये टेबल याद रखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप क्वेश्चन पेपर शुरू होने से पहले आप अपनी रफ शीट में, जो आपको क्वेश्चन पेपर में जो रफ शीट मिलती है, तो अगर आपको टेबल याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी रफ शीट में जल्दी जल्दी से इस तरह करके और यूनिट डिजिट का आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलाइए अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए और जो भी आपको दिक्कतें आ रही है, जो भी समझने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो यहाँ पर सारी सॉल्व हो जाए। इसके बाद एक और बात करता हूँ मैं यहाँ पर फैक्टोरियल नंबर्स की। फैक्टोरियल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टोरियल यानी 2 × 1 यानी 2, 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 1, 2 × 1 यानी 6, 4 फैक्टोरियल यानी 4 × 3 × 2 × 1 यानी 24, 5 फैक्टोरियल यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी 120, 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए यहाँ पर एक क्या खास बात है कि 5 फैक्टोरियल के अंदर हमारा क्या आ गया, 120, ठीक है। तो इसके बाद अब जो भी फैक्टोरियल हम यहाँ पर पता करेंगे, तो देखिए 5 फैक्टोरियल में जब इसकी लास्ट डिजिट 0 आ गई, तो अब 0 का आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिए, उसका यूनिट डिजिट 0 ही आना है। तो एक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि 5 फैक्टोरियल और इसके बाद वाले सारे फैक्टोरियल्स की यूनिट डिजिट क्या होती है, 0। कभी भी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको दे दिए 89 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट, पता कीजिए। तो हमको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि 5 फैक्टोरियल या उसके जो लेटर वाले जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उनकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 0। और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, और 120 को अगर हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे आगे, तो क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 है, तो इसलिए सारी जो भी फैक्टोरियल होंगे उनके लास्ट डिजिट हमें 0 ही मिलेगी। तो 4 फैक्टोरियल तो आप इजीली याद कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 की 2, 3 की 6 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 1, इसका 2, इसका 6 और इसका 4। लेकिन 5 फैक्टोरियल या इसके बाद वाले सारे फैक्टोरियल्स में यूनिट डिजिट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो चलाइए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 23+34+46+78। यहाँ पर हम इन नंबर्स की क्या करनी है, हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो जब भी हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स की यूनिट डिजिट पर ही अटैक करेंगे, और बाकी पूरे नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, हम क्या के देखेंगे, केवल यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3+4+6+8 यानी 3, 4, 7, 7, 6, 13, 13 and 8, 21। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1, क्योंकि 21 में यूनिट डिजिट क्या है, 1। बात करेंगे हम इस सेकेंड वाले क्वेश्चन की, तो हम क्या करेंगे, केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान देंगे, यानी 1 × 7 × 6 × 6 × 9, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, टुकड़ों में करेंगे। 1 × 7 7 7 × 6 यानी 42 एंड 6 × 9 यानी 54, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान देंगे, यानी 2 × 4 करेंगे, 2 × 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, और 8 हमारा आंसर हो जाएगा।
सेम चीज हम इस केस में करेंगे, क्या करेंगे, 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3, 4 इंटू 8 क्या हो गया 32, 7 इंटू 3 क्या हो गया 21, 32 में से क्या ले लेंगे 2, 21 में से क्या ले लेंगे 1, और आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जो फोर्थ ग्रुप का मैंने आपको बताया था, क्योंकि 7 7 आता है हमारे फोर्थ ग्रुप में, तो सबसे पहले हमने देख लिया थर्ड ग्रुप में, तो सबसे पहले हमने देख लिया 7 7, यानी क्या है हमारे थर्ड ग्रुप के अंदर आ गया। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर पे ध्यान देंगे। पावर यानी क्या है हमारी 39 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये इसका 9 टाइम्स हो गया 36 बार, और इसका जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया 3। तो अब उस टेबल में आप जाइए और टेबल में रेफर कीजिए कि जब हमारा लास्ट डिजिट 7 हो और जब हमारा रिमाइंडर 3 आए, तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या होती है, उस केस में यूनिट डिजिट होती है हमारी 3। ये आ गया हमारा आंसर। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 7 है और रिमाइंडर 3 है, यानी क्या करना है हमें, 7 की पावर 3 होती है 3 4 3, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, 678 की पावर 562। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 562 में 4 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया 8 आ गया, 8 हमारे क्या है थर्ड ग्रुप का नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 562 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 1 1 6 4 एंड 0, 140 टाइम्स तो पूरी बार चल जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 2। ठीक है, अब उस टेबल को आप देख लीजिए, या आप डायरेक्ट कर लीजिए, आप क्या लेंगे 8 की पावर 2, 8 की पावर यानी 8 के स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा 64, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 2137 की पावर 753। देखिए, ये हमारा क्या है थर्ड ग्रुप का नंबर, क्या करेंगे अब हम 753 में हम 4 का भाग देंगे। देखिए 135 यानी 8, 33 यानी 8, 188 टाइम्स जाएगा ये, और इसमें जो रिमाइंडर बचेगा, ये रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 1, एक मिनट, 435 833, हाँ 188 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 7 और रिमाइंडर कितना है 1, यानी 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 7, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 5627 की पावर 153 इंटू 671 की पावर 230। अब देखिए, वही हमारा 7 आ गया, तो हम क्या करेंगे 153 डिवाइडेड बाई 4, जब हम 153 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, इसमें जाएगा ये 333 यानी 8, 38 टाइम्स तो पूरी बार चल जाएगा, और इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 7 की पावर 1, और देखिए ये क्या है 1 हमारे फर्स्ट ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप में क्या था कि चाहे कुछ भी पावर हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, जो हमारा लास्ट नंबर होगा वही हमारी यूनिट डिजिट होगी फर्स्ट ग्रुप के केस में। तो ये हमारा लास्ट नंबर क्या है 1, तो हमारी यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगी इसके लिए 1, तो 7 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम 17 की। 17 में अगर हम देखेंगे 1999 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 1999 है, अगर ये क्या होता 2000 होता, और अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते तो इसका आंसर आता 500 टाइम्स, यानी 500 टाइम्स से पूरा चल जाता। ठीक है, लेकिन ये 2000 से क्या है 1 कम है, तो इसका रिमाइंडर होगा, वो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, और 7 इसके केस में भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। तो देखिए ये लिख देंगे हम 7 की पावर 3 प्लस 1 है हमारे किसका है फर्स्ट ग्रुप का, तो इसका क्या यूनिट डिजिट होगा 1 माइनस 7 की पावर 3। ठीक है, 7 की पावर 3 में जो हमारी यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी 3 प्लस 1 माइनस 3, क्योंकि ये भी 7 की पावर 3 है।
तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 1। चलो आइए बात करते हैं हम 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था आपको, अगर 5 फैक्टोरियल है ऊपर से कोई भी, या 5 फैक्टोरियल या उससे ऊपर का हमारा कोई भी फैक्टोरियल हो तो उसकी अगर हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0। इसके बाद बात करेंगे हम 7 की पावर 71। 71 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 4 68, यानी हमारा रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा 3। तो 7 की पावर 3 हम इसे लिख देंगे। इसके बाद 6 की पावर 63। 63 क्या है, एक ऑड नंबर। तो जब 63 ऑड नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1 इंटू, अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर यहाँ पर क्या है, 65। तो 65 में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 64 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 16 टाइम्स से पूरा चला गया और रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर, 1। तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 1। ठीक है, आया समझ में। 4 से डिवाइड करा 7 और 3 के केस में पावर को, तो 7 के केस में हमारा रिमाइंडर बचेगा 3 और 3 के केस में हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। तो देखिए 7 की पावर 3 यानी 3 × 6 × 3, 3 × 6 यानी 18 × 3। ठीक है, 18 × 3 करेंगे तो 18 × 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54 और हमारी यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4। देखिए इस तरह के बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा नंबर किस ग्रुप का है, 0, 1, 5, 6, ये एक अपना अलग ग्रुप बनाएंगे, इनमें चाहे कुछ भी पावर हो, हमें पावर से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारा लास्ट वाला नंबर होगा वही हमारा यूनिट डिजिट बन जाएगा। 4 के केस में हम क्या देखेंगे, ऑड पावर, इवन पावर को, अगर हमारी पावर ऑड है तो उसकी यूनिट डिजिट होगी 1, अगर हमारी पावर इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट होगी 6। 9 के केस में हम देखेंगे अगर हमारा 9 है लास्ट नंबर, अगर और उसके ऊपर पावर जो दी गई है वो अगर क्या है, इवन, तो 9 की पावर अगर इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 1 और 9 की पावर अगर ऑड है तो उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 9। और इसके बाद बाकी 3 नंबर बचे, क्या क्या नंबर बचेंगे, 7, 8, 3 और 2। ठीक है, इन चारों नंबर के केस में हम क्या देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम पावर का रिमाइंडर देखेंगे और पावर का रिमाइंडर देख के और उसके हिसाब से हम यूनिट डिजिट वहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं इस पे बेस्ट कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन। ये तो कुछ बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू किया और हल्का हल्का मैंने आपका यहाँ पर लेवल बढ़ाया। अब चलिए कुछ और अच्छे लेवल के, कुछ और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। Thank you.